हेलो फ्रेंड्स, आज मैं टीजीटी लेवल 2 सेट बी पेडागोजी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का जो सॉल्यूशन है वो आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। पेडागोजी में जो कई क्वेश्चन थे वो रिपीट थे, ये मेरे पास सेट बी है, सेट बी की आंसर की है मेरे पास। बाकी मैं ऑप्शन भी लिख रहा हूँ ताकि जो अदर ऑप्शन के बच्चे हैं वो इसे अपना जो आंसर मैच कर सकते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो अभी डाउट में है, सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा सेट बी में सेकंड ऑप्शन है इसका अधिगम अक्षमता का। क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो ऑप्शन है वो है फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का जो ऑप्शन है वो है फोर्थ आपके पास पारिस्थितिक तंत्र सिद्धांत। बाकी बच्चे के लिए मैंने ये की बनाई है, आप यहाँ से जो है अपने ऑप्शन जो है मैच कर सकते हैं। ये जो की है मेरे पास ये सेट बी की है, बाद में मैं इसको शो भी करूँगा। पहले सेट बी वाले जो बच्चे हैं वो अपना जो आंसर है वो मैच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सिक्स का जो ऑप्शन है वो थर्ड है, लेकिन ये क्वेश्चन अभी डाउट में है। क्वेश्चन नंबर सेवन्थ का जो ऑप्शन है वो आएगा आपके पास थर्ड। क्वेश्चन नंबर एट्थ का जो ऑप्शन है बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत किसने दिया था, ये कैरोल के द्वारा जो है दिया गया था। एट्थ क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन है आपके पास। उसके बाद है नाइन्थ क्वेश्चन का जो ऑप्शन रहेगा आपके पास फर्स्ट। टेंथ क्वेश्चन का जो ऑप्शन रहेगा आपके पास वो फर्स्ट है। इलेवंथ का जो ऑप्शन है आपके पास वो भी फर्स्ट है। और ट्वेल्थ क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो आपके पास फोर्थ ऑप्शन आपके पास ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्टीन का जो ऑप्शन रहेगा वो आपके पास थर्ड है। क्वेश्चन नंबर फोर्टीन का जो ऑप्शन है वो सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन का जो ऑप्शन है वो आपके पास फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन का जो रहेगा आपके पास ये थर्ड ऑप्शन जो है आपके पास रहेगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 पे जो ऑप्शन है आपके पास फोर्थ रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर आएगा वो फोर्थ है। क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर है वो आपके पास थर्ड है, डन। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर है वो आएगा आपके पास थर्ड। क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर है आपके पास आएगा फर्स्ट, सूक्ष्म तंत्र। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर आएगा आपके पास वो आएगा सेकंड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 का जो आंसर रहेगा आपके पास रहेगा फोर्थ। 24 है जो उसका आंसर रहेगा सेकंड आपके पास, लियो कैनोर ने दिया था ये। सौलिनता की सर्वप्रथम व्याख्या जो है लियो कैनोर ने की थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 का जो है सेकंड, ये लास्ट ईयर रिपीट भी हुआ है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। विकास काल के दौरान भ्रूण के सिर का विकास उसके पैरों से पहले होता है, ये होता है आपके पास सिर से पैर की ओर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सीटेट में भी कई बार पूछा गया है ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर है फोर्थ, शेपिंग। क्वेश्चन नंबर 27 का जो ऑप्शन रहेगा आपके पास वो फोर्थ रहेगा, सृजनात्मक बुद्धि। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर रहेगा आपके पास वो रहेगा थर्ड, शेपिंग। क्वेश्चन नंबर 29 का जो ऑप्शन रहेगा आपके पास ये क्लासिकल कंडीशनिंग होती है शास्त्रीय अनुबंधन का। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 30 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक के विकास के सिद्धांत के अनुसार एक बालक संरक्षण के सिद्धांत को समझने में सक्षम हो जाता है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में, ये मैंने कोड बी के आंसर मैच किए हैं। उसके बाद बाकी बच्चों की हेल्प के लिए मैंने इसको की को बनाया है, तो बाकी बच्चे अपना जो आंसर यहाँ से मैच कर सकते हैं। ये सेट बी का मेरे पास, लेकिन मैंने साथ में ऑप्शन को लिख दिया है। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड ऑप्शन है मेरे सेट बी में, उसका आंसर आएगा अधिकम अक्षमता, आप इसको मैच कर सकते हो। तो थोड़ा हिंट के तौर पे मैंने आपको ये दे दिया है, तो आप इसको जो है ध्यान से नोट कर सकते हो। ये आपके पास जो फर्स्ट लाइन जो रहेगी वो आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 को कवर कर रही है। क्वेश्चन नंबर 10 तक आपके पास ये ऑप्शन है। उसके बाद आप मूव कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 से 12, 13 एंड सो ऑन जो ये ऑप्शन आपके पास जाएंगे, ये ऑप्शन आपके पास जो है 25 तक रहेंगे। आप इसको जो है अच्छे से अपना जो है मैच कर सकते हैं बच्चों की, आपका जो है पेडागोजी में स्कोर क्या रहेगा। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 26 मेरे जो सेट बी में ऑप्शन रहा है ये फोर्थ, तो आप अपना जो क्वेश्चन ढूंढ के जो भी इसको आप मैच कर सकते हो, शेपिंग ऑप्शन आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 27 का जो ऑप्शन है वो सृजनात्मक है। 28 का जो शेपिंग है, यानी कि दो ऑप्शन शेपिंग वाले सेम है बच्चों, लेकिन क्वेश्चन अलग अलग हैं। और उसके बाद है शास्त्रीय, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 मूर्त संक्रियात्मक। एक बार फिर मैं क्वेश्चन पेपर को रिपीट कर देता हूँ, अगर किसी का अदर कोड है तो वो इससे जो ये रेड नोटेशन है यहाँ पर, वो आपसे जो है अपने स्टेटमेंट देख के उसको जो है आप मैच कर सकते हैं। उसके बाद ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 20, 24
ये आपको आशा करता हूँ कि आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा होगा ये। उसके बाद जो ये रेड वाले हैं, ये जो फाइनल आंसर हैं, आप जो है इनको जो अपने क्वेश्चन पेपर से मैच करके जो है इसको अच्छे से देख सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और ज़रूर करें और अपने सभी दोस्तों तक इसको पहुँचाएँ, ताकि आपके जो है ये पता लग सके कि आपने साइकोलॉजी पैडागोजी में जो है उसको आपने कितना स्कोर किया है। उसके बाद में जो इसमें रीजनिंग एप्टीट्यूड का जो पोर्शन था उसका भी सॉल्यूशन आपको बहुत ही जल्द प्रोवाइड कराऊंगा। हमारे पास जो एक्सपर्ट की टीम है वो अपना काम कर रही है, तो आप इसके जो बाद हैं हिंदी का जो पोर्शन है वो आपके पास जो है यूट्यूब चैनल पर डाल दिया जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो किसी भी बच्चे को अगर प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखें और जो ऑप्शन मैंने वो टिक कर दिए। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन अभी डाउट में है, ये कन्फर्म नहीं है कि इसका जो आंसर क्या आएगा। थैंक यू।